ये मार्च इसलिए किया जा रहा है कि पुंदाक की एक लड़की जिसका नाम अफसाना परवीन है, वो फ्राइडे को गालिबन 11 बजे दिन को वो मारवाड़ी कॉलेज की स्टूडेंट है BA Part 1 की, वो बोल के निकली कि मैं घर कॉलेज जा रहा हूँ फॉर्म भरने के लिए, और वो कॉलेज निकली है और उस दिन से वो लापता। सैटरडे को शाम में ये पता चलता है कि लोहरदगा का कैरो प्रखंड में उसकी पूरी जली हुई लाश पाई गई है और वो रेल मतलब पटन विभाग में लाया गया है, तो यहाँ से इनके परिजन ने उसकी शनाख्त किया है और उनको ला करके उसका दफन कफन कर दिया गया है। और प्रशासन ने मतलब कहा था कि 24 घंटे के अंदर मतलब उसके हथियारों को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन 24 घंटा बीत जाने को गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन से हमें उम्मीद है कि तो पूरी तरह से लगी हुई है और लगता है अनकरीब को हथियारों को गिरफ्तार कर लेंगे। और ये एक बहुत जघन्य अपराध है जिसमें पूरा समाज से मरहमत है, पूरा समाज दुखी है और ये कैंडल मार्च उसी के विरोध में है। ये मतलब साइलेंट मतलब मौन जुलूस है ये, लेकिन मेरे को लगता है कि प्रशासन को और थोड़ा सा कड़ाई से कदम उठाना चाहिए, अन्यथा ये जाके आगे कोई बड़ा मतलब विरोध न बन जाए।